गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये आजकल यहाँ का ऐसा मौसम है और जो कि बहुत मस्त सुबह के 7 बजे का था वो, और अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता जो कि मूंग का डोसा बन रहा है। इसमें कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे ही पेपर डोसा टाइप का है और चटनी के साथ एकदम मस्त लगता है और हम सबको पसंद है, तो यही बन रहा है। सुबह सुबह कुहू की ड्राइंग स्टार्ट हो गई, अभी ब्रश नहीं की है, अपने डैडा के लिए कुछ बना रही है। क्या बन रहा है ये? क्या है ये? घर है। अच्छा, ये सन है दो। और ये क्या लिखा है? पापा? हाँ। नहीं, पी पी ए फिर एफ आई। चलो, वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छा लिखा है। आपको पापा की स्पेलिंग पता थी क्या? पापा की स्पेलिंग मालूम थी आपको? इधर देखो। अरे अरे, गंदी लगी। पहले तो हमने बनाया है फूड प्रोसेसर, तो अभी हम इसमें बनाएंगे जूस। किस चीज का जूस? को आपने टी शर्ट भी नहीं पहना है। यस, तो बनाया जाए। इसका कुछ मैंने पार्ट निकाल लिया है, मुझे डोसा बनाना था इसलिए, और ये जूस निकालती हूँ और हम लोग बनाएंगे जूस। चलो, स्पून लेके आओ। तो आज ये बंगाली स्टाइल में सब्जी बनने वाली है, जिसमें भिंडी, सहजन, बैगन और बड़े कटे हुए आलू। इधर प्याज अभी काट रही हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। सरसों के तेल में इसको बनाऊंगी। तड़के में मैं राई थोड़ा सा और करी पत्ता डालूंगी, और उसके बाद प्याज हल्का सा भून के बाकी जो सब्जी है उसको तो वो फ्राई कर लूँगी। फ्राई क्या, थोड़ा लाल हो जाएगा तो उसको पकाऊंगी। उसके बाद मसाले वसाले जो भी डालेंगे वो डालूंगी। अगर आप लोगों को इस सब्जी की रेसिपी चाहिए तो बताना, तो मैं इसका प्रॉपर रेसिपी आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं अभी ऐसे ही बना रही हूँ और ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। Thank you.
सो माई लंच इज़ रेडी और हम लोग अब जा रहे हैं लंच करने हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ और आप लोगों से मिलूँगी अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।